आज आपल्या शाळेचे छोटे छोटे विद्यार्थी विश्वविक्रम करण्याच्या तयारीत आहेत. युवल्याच्या डोळ्यामध्ये छोटे स्वप्न बाळगणाऱ्या या छोट्या विद्यार्थ्यांना आपल्या सहकार्याची आणि शुभाशीर्वादाची गरज आहे. या कार्यक्रमामध्ये आपणास 29 राज्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण दर्शन घडणार आहे. विविधतेतून एकता आपल्या भारतात आहे, म्हणूनच आपला भारत देश महान आहे. चला तर मग या कार्यक्रमाची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत, त्याची सुरुवात करूया. युनिटी इन डायव्हर्सिटी, युनिटी इन डायव्हर्सिटी, युनिटी इन डायव्हर्सिटी. ग्रहों से बनी है, इनमें से एक है पृथ्वी. सारे सजीवों का वास है ये पृथ्वी. अनेक देशों का मिलाप है ये पृथ्वी. इस पृथ्वी को अधिक सुंदर बनाया है मेरे भारत ने. हरे भरे पेड़, खिलखिलाते झरने, कश्मीर के बर्फीले पहाड़, कन्याकुमारी का अथांग सागर, रंग रंगीली लोक संस्कृति, 29 राज्यों का मिलाप है मेरा भारत. हर राज्य की संस्कृति अलग, भाषा अलग, पहनावा अलग, फिर भी हिमालय की चोटी सा तटस्थ है मेरा भारत. विविधता में एकता दर्शाता है मेरा भारत. चलिए इस धरती के स्वर्ग की सैर करते हैं. सभी 29 राज्यों की खूबसूरत संस्कृति का आनंद लेते हुए विविधता में एकता का दर्शन करते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित हिंदुस्तान एंटीबायोटिक स्कूल की पावन भूमि पर आज पूरा भारत समाया हुआ है. भारत माँ के इन नन्हे नन्हे सपूतों ने अपने देश का नक्शा अपनी पाठशाला के मैदान पर सजाने का प्रयास किया है. अपने तिरंगे का अभिमान इन नन्हे बालकों के चेहरे के लकीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है. अपनी मातृभूमि को वंदन करने के लिए यह बालक भारत माता के नक्शे की सीमा रेखा पर तैनात हुए हैं. तो चलिए हम सब भारत की सैर करते हैं और अपनी मातृभूमि की सांस्कृतिक सुंदरता की जानकारी लेते हुए अपने तिरंगे को प्रणाम करते हैं. सबसे पहले चलते हैं हमारे महाराष्ट्र में. अनेक लोक कला परंपरा लोक नृत्यों से संपन्न है हमारा महाराष्ट्र. इसकी गिनती भारत के सबसे धनी राज्यों में होती है. महाराष्ट्र की भूमि अनेक महान संत, थोर नेता, महान समाज सुधारक इनके पदकमलों से पावन हुई है. यहाँ आज भी अनेक धर्मों पंथों के लोग मिलजुल कर रहते हैं. महाराष्ट्र में अनेक लोक नृत्य के प्रकार प्रसिद्ध है. महाराष्ट्र को कृषि प्रधान राज्य के नाम से भी जाना जाता है. हरे भरे खेत, झरने, किले, पर्वत से इसकी सुंदरता और भी खिलती है. महाराष्ट्र का अर्थ महान राष्ट्र, जो भारत की समृद्ध इतिहास का गवाह है. इसकी गिनती भारत के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक और धनी राज्यों में की जाती है. इस राज्य में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं. पुणे शहर का गणेश फेस्टिवल एक प्रमुख पर्व माना जाता है. इस राज्य में तैयार हुए फल फूल अनाज का देश विदेशों में निर्यात होता है. अनेक जाति धर्म के लोग यहाँ घुल मिल कर रहते हैं. फलों का राजा आम पूरे जग में महाराष्ट्र से ही जाता है. तो आप सबको महाराष्ट्र का दर्शन करवाने आ रहे हैं हमारे बाल कलाकार. तो देखते हैं भारत की झांकी में सबसे पहले महाराष्ट्र के लोक नृत्य. महाराष्ट्र
जाने पाठव नहीं पहाड़ केशराचे दिवे इथे होते औक्षण अन्नांगोळी गुंफिते भविष्याची गुंफण रोजची सकाळशी कधी लागून ये दृष्ट गीताया लाली रोज राम राम महाराष्ट्र Oh,
ਤੀ ਜਾਖ ਨਵਿਆਨੇ ਸਾਗ ਪੇ ਤੂ ਦੇ ਆਗ ਮਰਾਠੀ ਆਦਾ ਹੋਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਾਜ ਭਜਨ ਤਾਜ ਸਾਗ ਦੇ ਗੈਸ ਭਵਾਨੀ ਮਾਤਾ झाला प्राण हुन प्यार म्हणून प्रभू श्याम देवा अवतार
अब हम आपको सैर कराते हैं धरती के स्वर्ग के। रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे पेड़, बर्फीले पहाड़, खिलखिलाते झरने और मुस्कुराते हुए सुंदर लोगों से खिला हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर। कश्मीरी वादियाँ चिन्नार के पेड़ों से सजी है। लाल लाल रसीले सेब, खुशबूदार केसर, पश्मीना ऊन से बनी शाले, गर्मा गर्म लज्जत देसी चाय यानी कहवा जग भर में मशहूर है। सुंदरता के साथ साथ यहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति का अनूठा मिश्रण दिखाई देता है। कश्मीर पहुँचे और दल सरोवर की सैर न की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, रंग बिरंगे फूलों से सजा शिकारा भी आ गया। इसमें बैठकर हम दल सरोवर की सफर का आनंद लेते हैं। आहा, सफेद बर्फीले पहाड़ों में पेड़ों पर लगे सुर्ख रंग के सेब बड़े लुभावने लगते हैं। कश्मीर में रसीले सेबों की मिठास कुछ खास ही होती है। यहाँ रंगी बिरंगे खिले फूल कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। दूर दूर तक फैले ट्यूलिप के फूल यहाँ का खास आकर्षण है। कश्मीर की इस सुंदरता का अनुभव लेने के लिए देश विदेश से पर्यटकों का हमेशा तांता लगा रहता है। तो चलिए जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध घूमरों नृत्य में शामिल होते हैं। चलते हैं भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमाचल प्रदेश की ओर। यहाँ चारों तरफ से भारत की शान हिमालय पर्वत की चोटियाँ दिखाई देती है, इसलिए यहाँ हमेशा पर्यटकों का मेला लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव अस्तित्व का अपना इतिहास है। यहाँ बर्फीले पहाड़ों में पर्यटक राफ्टिंग का आनंद लेते हैं। यहाँ मंदिरों में सभी जगह प्रेयर व्हील यानी प्रार्थना चक्र दिखाई देते हैं। उन्हें भक्त बड़े प्यार से छूकर धीरे से घुमाते हैं। प्रार्थना चक्र को घुमाकर की हुई आराधना भगवान तुरंत सुन लेते हैं, ऐसी श्रद्धा है। यहाँ कई गांवों में शिव के मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ पर शिवा पार्वती का वास्तव्य था, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर अनेक भक्तगण आकर श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। आइए तो चलते हैं बर्फीले मौसम का मजा लेने हिमाचल प्रदेश और देखते हैं वहाँ का मशहूर लोक नृत्य नाटी नृत्य।
पंजाब के अमृतसर तथा पाकिस्तान के लाहौर के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित एक गांव है जहां से दोनों देशों की सीमा गुजरती है। भारत और पाकिस्तान के बीच थल मार्ग से सीमा पार करने का यही एकमात्र निर्धारित स्थान है। यह स्थान अमृतसर से 32 किलोमीटर तथा लाहौर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता बेहद ही पुराना है। यह बाघा बॉर्डर दोनों देशों के लिए गर्व, सम्मान और हिम्मत का प्रतीक है। इस बॉर्डर पर रोज शाम को एक समारोह होता है जो अपने आप में एक गर्मजोशी का प्रतीक है। लोहड़ी यह पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्योहार का उल्लास रहता है। रात के समय खुले स्थान में परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं। सर्दी का मौसम होता है इसलिए गर्मी पैदा करने वाली रेवड़ी मूंगफली खाई जाती है। इस त्योहार में लोग आपसी बैर मतभेद भुलाकर आनंद और खुशी से नृत्य भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा। Ladies and gentlemen, gentlemen, gentlemen. Yeah, we're back again. I represent the gay community. You ready? Let's go. We'll be right back.
हरियाणा उत्तर भारत का तेजी से विकसित होता राज्य है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरि यानी भगवान श्री कृष्ण और आयन यानी भगवान श्री कृष्ण जी का निवास स्थान इससे हुई है। कुरुक्षेत्र का यह जिला हरियाणा उत्तर दिशा में स्थित है। हिंदू मतों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा का मुख्यालय भी है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है। यहाँ कौरव पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। इसी दौरान ज्योतिसार नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अपने विराट विश्व रूप का दर्शन भी करवाया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हर वर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी तक सूरज कुंड का मेला लगता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। यह ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। यहाँ हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक कपड़ा बड़े पैमाने में दिखाई देता है। चलिए देखते हैं हरियाणा का लोक नृत्य। मैं दामन से पीवाऊं छीटे गेहूं दाना।